हेलो गाइस, तो गाइस हमारा डे 209। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई चलते अपने कंप्यूटर कोचिंग पर। आज हमारी कॉपी बदल चुकी है, अब तोते से बाइक हो चुकी है। नहीं, अपडेट हो चुका मामला, तरक्की पर। सो गाइस, कंप्यूटर कोचिंग के बाद खाने की बारी है, यानी अब है ये है भाई परमल। किस किस ने खाएंगे। सो गाइस, आज हम ले आए हैं अपनी एल्टो को। ठीक है भाई, ये एल्टो कई वीडियो में आ चुकी है, पहले भी 3-4 वीडियो में आ चुकी है भाई। अपनी हथ आएगी आएगी, सीधी सी बात है। पर भाई इसका हम पावर चेक कर लिया हमने, कितनी भक्ति है 10 सेकंड में। आज कुछ अलग करेंगे यार भाई। यू हमारी जो एल्टो है, सीएनजी और पेट्रोल दोनों में है। देखो सीएनजी, और पीछे से भी दिखा दूँ, ये सीएनजी का नोज़ल है, पेट्रोल का नोज़ल है। तो भाई सीएनजी और पेट्रोल दोनों में है, तो भाई हम यू चेक करेंगे आज कि पेट्रोल की जो पावर होती है और सीएनजी की पावर कितनी होती है, मतलब क्या डिफरेंस रहता है। अंदाज़ा लगाएंगे लगभग कि क्या फील करते हैं हम चलाने में, और कैसी फील होती है, और क्या कितनी भगेगी पेट्रोल में, कितनी भगेगी और सीएनजी में कितनी पावर आएगी इसमें। तो खाली पावर चेक करेंगे, भगाने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। पावर चेक करनी है मतलब अपने को, कि पेट्रोल में कितनी पावर है, सीएनजी में कितनी पावर है। बैठते हैं गाड़ी में और पावर चेक करके बताएंगे भाई, चला कर बताएंगे तरीके से आपको कि क्या। सो गाइस, गाड़ी में बैठ चुके हैं देखो, और गाड़ी स्टार्ट हमने कर ली है। गियर लगाएंगे पहला, और देखो पहले आपको चेक करा दूँ अंदर भी कि पेट्रोल और सीएनजी में है या नहीं। देखो भाई, पहले सीएनजी में लगा रखी है हमने। सीएनजी में है तो आप यहाँ से इधर की साइड का ऑप्शन आता है एल्टो में, यहाँ से आप लगा सकते हैं अपने अनुसार। बाइक ऑटोमेटिक भी लग जाती है। देखो सीएनजी में है और पेट्रोल में है, पेट्रोल कम है पर चल जाएगी। तो पहले सीएनजी में चेक करेंगे, ठीक है भाई। 1, 2, 3 है भाई, इसमें शुरू हो चुकी है काउंट। 10 तक करेंगे, खाली बता दो जब 10 हो जाओ। होगी तो भाई स्पीड आई है 45, 10 सेकंड के आसपास करी है हमने, 45 स्पीड आई है। अब इसे पेट्रोल पे चेक करेंगे, पेट्रोल पे कितनी आएगी, ठीक है भाई। तो भाई पहले तो इसे पेट्रोल पे लगा लेते हैं, तो मैं दिखा दूँ जब यहाँ से, इसका बटन है ये, यहाँ से पेट्रोल पे हो जाएगी। देखो पेट्रोल शो करेगा यहाँ पर, पेट्रोल शो कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब इसमें भी सेम 10 सेकंड, फिर चेक करेंगे कि कितना फर्क आएगा। 2, 3 तो भाई दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही। सो गाइस, उठने का जो वो था ना, बस वही फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया। 2-4 ज्यादा 45-46 होगी, बस इतनी स्पीड आई है दोनों में, मतलब सेम ही आई है, तो ज़्यादा फर्क आया ही नहीं है। तो भाई मेरा तो यही था, मैंने चेक कर लिया है दोनों में कितनी पावर होती है। मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सेम आई है, थोड़ा सा पिकअप में फ़ायदा लगा, पर पेट्रोल में जब गाड़ी उठाई तो एकदम जानदार तरीके से उठी थी। तो भाई मेरी स्पीड दोनों की सेम रही है ऑलमोस्ट, पेट्रोल और सीएनजी में दोनों में बराबर रही है। और बाकी आपकी अपनी गाड़ी जो भी हो, अगर पेट्रोल की हो तो 10 सेकंड में कितनी भागी है कमेंट करके बताओ, और सीएनजी में कितनी भागी है, सीएनजी वाली हो तो सीएनजी वाले बताओ भाई, ठीक है भाई। तो भाई चलते हैं इसके बाद घर, हमारा काम हो चुका है ख़त्म। बाय बाय।